एग्जाम्पल नंबर टू इज 8 5 बाय 9 एंड 2 बाय 3। आपने 5 बाय 9 लिखा प्लस 2 बाय 3, ये पहला स्टेप था। अब देखिए इनके जो डिनोमिनेटर है वो चेंज है, ये 9 है और ये 3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 3 का सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में होंगे उनका एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का जब एलसीएम लिया तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास एलसीएम क्या आएगा 9 एंड 3 का, 9। एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इज 9। अच्छा देखिए इसके बाद अब ये जो नीचे है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आपके पास इस एलसीएम के इक्वल आने चाहिए। 9 को किस के साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, 9 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। 5 बाय 9 प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 5 बाय 9 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 प्लस 2 बाय 3। अब 3 को किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये आपके पास 3 बाय 3। दूसरा ये कि यहाँ से पता कैसे चलेगा किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपके पास ये ग्रेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम में आना है 9 है ना, 3 3 ज़ा 9, अगर इसको निकाल दें, 9 को निकालें तो 1 ही बचेगा, तो 1 वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 के लिए वो कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 आएगा, तो यहाँ से आप 3 को अगर निकालें तो बाकी जो बचेगा वो नंबर 3 है, इसका मतलब है ये नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 9 आएगा, ठीक है। ये नंबर फाइंड करने का तरीका था, इसमें तो मसला नहीं, ये छोटे नंबर्स है, अगर बड़े नंबर्स आ जाएँ तो तब आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको 3 बाय 3 के साथ, 3 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी। मैथ्स में आप किसी भी चीज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर डिवाइड भी करना होता है और मल्टीप्लाई भी। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9। अब देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 1 थी, अब इसकी शेप वैसी हो गई है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपने क्या करना है, 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9, फिर ऊपर क्या आ जाएगा, अगर ये सेम हो तो ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ आ जाते हैं, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 11 बाय 9। 11 बाय 9 को उसके बाद डिवाइड करना है जैसे पहले एग्जांपल में किया था, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे बचा 2, सो 1 होल 2 ओवर 9 इज आवर आंसर। द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास ये नंबर्स हैं वो होल की फॉर्म है, तो पहले आप इसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 बाय 5 प्लस 15 6 था, और उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पास आ जाएगा 94 बाय 15। ये अब आपके पास सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने इसको इसी तरीके से जैसे एग्जांपल नंबर 2 ये सॉल्व कर लेना है, ये आपने खुद करनी है।